हेलो बच्चों, आज हम बात करने जा रहे हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स यानी परिवर्त आदि। ये ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है जरा समझिएगा। अगर कोई मैट्रिक्स है, मान लिया A इज इक्वल टू, इसकी डेफिनेशन देखिए, हमने मान लिया A इज इक्वल टू ए आई जे, आपको याद होगा हमने बताया था ए आई जे मतलब उस मैट्रिक्स का एलिमेंट है, एम क्रॉस एन उसका ऑर्डर है, इज अ मैट्रिक्स, ये एक मैट्रिक्स है, ठीक है। तो इट्स ट्रांसपोज क्या होगा, इट्स ट्रांसपोज, देखिए हिंदी मीडियम वाले भी लड़के जो इंग्लिश वर्ड जो वर्डिंग्स हैं उन्हें जरूर ध्यान देखें, क्योंकि यही आपको वर्ड्स बार बोले जाएंगे। इट्स ट्रांसपोज मैट्रिक्स विल बी, जो ट्रांसपोज मैट्रिक्स होगी उसको ए डैश से लिखते हैं या कहीं कहीं पर ए टी लिखा गया है, तो हम डैश का इस्तेमाल करेंगे, बुक में भी यही है लेकिन कुछ बुक्स में ए टी लिखा गया है। इसमें हम करते क्या है, रो को कॉलम में और कॉलम को रो में चेंज कर देते हैं, यानी जो ए आई जे है वो ए जे आई हो जाएगा और ये इसका ऑर्डर हो जाएगा एन क्रॉस एम। ये होता है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम इसको देखें, कोई एक एग्जाम्पल ले लें कि मान लेते हैं कि लेट ए एक मैट्रिक्स है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। पहली कंडीशन है इट शुड बी स्क्वायर मैट्रिक्स, जो मैट्रिक्स ट्रांसपोज के लिए हम लेके सामने आएंगे वो स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, ठीक है, सॉरी स्क्वायर भी हो सकती नहीं भी हो सकती है। तो इसका ट्रांसपोज क्या होगा, ट्रांसपोज ऑफ ई, ऑफ ई, इसको ए डैश लिखेंगे तो इसके रो को कॉलम चेंज कर दो, 1, 2, 3 रो था तो ये हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6 रो था कॉलम बन जाएगा, ये रो है 7, 8, 9। अभी हमने क्या कहा कि ए आई जे बिकम्स ए जे आई, जरा देखिए इसका इंट्रोडक्शन क्या है, हमने बताया था ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट है, अब क्या हो गया ये सेकंड रो और फर्स्ट का, तो ये चेंज हो जाता है, इसको कहते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है, उन्हें समझ लें, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल बहुत जरूरी है, कभी कभी वेरिफिकेशन करने के लिए आ जाता है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, परिवर्त आव्यूह के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, इसको प्रूफ करने के लिए नहीं आता है, ये वेरीफाई करने के लिए आता है। देखिए पहली प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर किसी ट्रांसपोज को फिर ट्रांसपोज कर दीजिए क्या होगा, तो आप कहेंगे वही मैट्रिक्स दोबारा आ जाएगी, ठीक है। दूसरी बात, अगर कोई मैट्रिक्स है ठीक, उसमें किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आप जानते हैं कि मल्टीप्लाई पूरे एलिमेंट में हो जाना है और इसका ट्रांसपोज कर दीजिए, तो क्या होगा कि रो और कॉलम जब चेंज होगा तो के तो सबके साथ रहना है, तो के बाहर निकल आएगा और केवल ट्रांसपोज इधर हो जाएगा। तीसरी प्रॉपर्टी यह है कि अगर ए प्लस बी करें, यानी दो मैट्रिक्स को प्लस करें और उसके बाद उसका ट्रांसपोज निकालें, या अलग अलग ट्रांसपोज करके प्लस करें, रिजल्ट विल बी द सेम। यही चीज माइनस के लिए लागू होती है कि ए माइनस बी करें फिर ट्रांसपोज करें, या अलग अलग ट्रांसपोज करके माइनस करें, वैल्यू विल बी द सेम। और फिफ्थ प्रॉपर्टी थोड़ा टेक्निकल है, अगर दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करके ट्रांसपोज करते हैं तो यहां पर बी डैश इंटू ए डैश होता है, क्यों, देखिए हमने आपको बताया था कि ए इंटू बी पॉसिबल कब है, हमने कहा था सपोज ये 2 क्रॉस 3 है तो ये 3 क्रॉस समथिंग होना चाहिए, माने 4 है तब मल्टीप्लाई हो पाएगा, ठीक है। अगर ट्रांसपोज कर देते हो तो ये हो जाएगा ट्रांसपोज, इसका ऑर्डर क्या होगा 3 क्रॉस 2, ये हो जाएगा ट्रांसपोज, इसका ऑर्डर क्या होगा 4 क्रॉस 3, क्या मल्टीप्लाई होगा, सिंगल नहीं होगा, नॉट पॉसिबल, क्या करना पड़ेगा, अरे भाई साहब इसको पहले लिखना पड़ेगा 4 क्रॉस 3, देन दीज टू नंबर्स विल बी सेम, तो यहां पर ऑर्डर चेंज हो जाता है। यही चीज तीन के लिए भी होता है, सपोज करिए ए इंटू बी इंटू सी का ट्रांसपोज करना है तो सी ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज,
तो दीज आर द प्रॉपर्टीज, देयर इज नो नीड टू प्रूव दीज प्रॉपर्टीज, इन द ग्रेजुएशन यू विल प्रूव इट, बट हियर वी वेरीफाइड, मतलब इन द क्वेश्चन दे विल गिव द टू मैट्रिसेस एंड दे विल सी दैट यू वेरीफाई दैट दिस प्रॉपर्टी इज होल्डिंग ऑर नॉट. ओके, तो दिस इज द ट्रांसपोज. अब यहां पर ट्रांसपोज दो प्रकार की होते हैं. वन इज ट्रांसपोज के आधार पर मैट्रिक्स को दो पार्ट में बांटा गया है. वन इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स. जरा ए आई जी और ए जे आई को ध्यान रखिएगा. ठीक, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सममित आव्यूह, सममित आव्यूह. देखिए, अगर मान ले हम कि लेट ए इज इक्वल टू ए आई जे ऑर्डर एम क्रॉस एन इज अ मैट्रिक्स. मैट्रिक्स की पूरी प्रॉपर्टीज आप एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा इसको देखने के पहले, इसका हमने लिंक दे दिया है, आप देख लीजिएगा एक बार. इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स. अगर राइटिंग थोड़ा गंदी है क्या होता है, देखिए, अगर इफ ए डैश इज इक्वल टू, जो कि ए जे आई एन क्रॉस एम हो जाएगा, अगर ये ए के इक्वल हो जाए, यानी कि आफ्टर ट्रांसपोजिंग द मैट्रिक्स वैल्यू ऑफ द मैट्रिक्स इज नॉट चेंजिंग, द सेम मैट्रिक्स यू आर गेटिंग, सो वी कैन से कि दिस इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स. समझे बात? फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक मैट्रिक्स बनाया 1 2 3 2 3 4 5 5 7. हमने जानबूझ के ऐसी लिखी है मैट्रिक्स कि ए आई जे करने पर ये वैल्यू वैल्यू आएगी. ठीक है, अगर मैं इसका ए डैश कर देता हूं, ट्रांसपोज ऑफ ए निकालता हूं, ट्रांसपोज ऑफ ए, तो ये फर्स्ट रो है 1 2 3, दिस विल बिकम फर्स्ट कॉलम, दिस इज 2 4 5 बिकम्स सेकेंड कॉलम, 3 5 7 बिकम्स थर्ड कॉलम. इज इट द सेम? यस, इज इट द सेम? तो दिस इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स. नेक्स्ट इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, विषम सममित आव्यूह, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, मैट्रिक्स विषम सममित कहते हैं हिंदी में, विषम सममित. देखिए क्या होता है, हमने माना कि लेट ए इज इक्वल टू ए आई जे एम क्रॉस एन, एक्चुअली में ये मैट्रिक्स लिखने का तरीका होता है, इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स. या ऐसे करिए, आई स्क्वायर, लेट अ स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर ऐसे बना देते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेट टू बी स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इफ अगर मैं ए डैश निकालू तो दैट बिकम्स माइनस बी, ये माइनस ए हो जाना चाहिए. जैसे एक एग्जाम्पल हम लेके चलते हैं, और यहां एक बहुत अच्छी चीज हम प्रूफ करने जा रहे हैं, अक्सर एक प्रूफ आता है प्रूफ करने के लिए. देखिए, हमने एक एग्जाम्पल लिया, ए इज इक्वल टू 0 1 2 -1 0 3 -3 -2 0 -2 -3 -3, ये जानबूझ के लिखा गया है. अब जरा मैं ए डैश निकालता हूं तो क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट रो बिकम्स फर्स्ट कॉलम 0 1 2, सेकेंड रो -1 0 3, थर्ड रो -2 -3 0. कॉमन लेने का तरीका क्या होता है, सभी एलिमेंट से कॉमन होना है, हमने सबसे माइनस कॉमन ले लिया तो साइन विल चेंज, 0 1 2 -1 0 3 -2 -3 0, इज इट द सेम? यस, इट इज माइनस ए. तो दिस इज कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. एक खास बात यहां देखिए, ये एलिमेंट का इंट्रोडक्शन क्या है, A11, इसका इंट्रोडक्शन क्या है,
A22, इसका इंट्रोडक्शन क्या है A33। यानी जब हम बात AIJ की करते हैं और जब इस डायगोनल एलिमेंट के बारे में बात करते हैं तो या तो ये 11 होता है या 22 होता है या 33 होता है। यानी डायगोनल एलिमेंट में I और J की वैल्यू सेम होती है, ये आप देख रहे हैं इसमें, ठीक है। एक चीज और देखिए, इसका इंट्रोडक्शन क्या है फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, इसका इंट्रोडक्शन क्या है सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, ये दोनों एलिमेंट सेम है। यानी A12 इज इक्वल टू A21 है लेकिन माइनस में है। तो स्क्यू सिमेट्रिक क्या कहता है कि इफ मैट्रिक्स इज स्क्यू सिमेट्रिक देन AIJ विल इक्वल टू माइनस AJ। ये तो आपने पढ़ा, अब जरा देखिए ध्यान से एक नोट, इसमें हम नोटिंग लिखवा रहे हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा, एक थ्योरम भी कह दीजिए इसको आप नोट। फॉर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स AIJ इज इक्वल टू क्या होता है माइनस AJI। डायगोनल एलिमेंट के लिए क्या होता है I इज इक्वल टू J। फॉर डायगोनल एलिमेंट I इज इक्वल टू क्या होता है J। तो यहां क्या हो जाएगा, सो इट इज AII इज इक्वल टू माइनस AII। इसको ले आओ तो 2AII इज इक्वल टू 0, तो AII इज इक्वल टू 0। क्या प्रूफ हुआ, ये प्रूफ हुआ इन द स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स द डायगोनल एलिमेंट रिमेन्स 0। आइदर यू से I इज इक्वल टू 1 A11 0, I इज इक्वल टू 2 A22 0, I इज इक्वल टू 3 A33 0। कभी कभी प्रूफ करने के लिए आता है कि प्रूफ करिए इन द स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स द डायगोनल एलिमेंट रिमेन्स 0, ठीक है। तो ये आपका एक दो थ्योरम्स हैं इसमें, कभी कभी ये थ्योरम आ जाती हैं, खासतौर से इस क्वेश्चन निकालने को आते हैं, इसलिए थ्योरम समझ लीजिएगा, वो भी इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। मैं इसका स्टेटमेंट लिख देता हूं, स्टेटमेंट देखिएगा, थ्योरम नंबर 1, ये एनसीईआरटी में थ्योरम है भी और भी आरडी शर्मा में भी थ्योरम होगी। थ्योरम नंबर 1, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए विद रियल नंबर एंट्रीज, यानी उसमें रियल नंबर्स हैं, A+A' इज अ सिमेट्रिक एंड A-A' इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बहुत टेक्निकल नहीं है, वो ध्यान से समझ लीजिएगा क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि भाई दो मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स है ए, स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो बताइए A+A' जो है वो सिमेट्रिक होगा, प्रूफ करिए, और A-A' स्क्यू सिमेट्रिक होगा। देखिए इसको प्रूफ कैसे करें, हमने जो A+A' है इसका कुछ नाम दे दिया, लेट A+A' को हमने मान लिया x। अब इसको सिमेट्रिक प्रूफ करने के लिए क्या करना होगा, अगर मैं x का ट्रांसपोज निकालता हूं, डैश करता हूं, तो वैल्यू विल बी द सेम। तो अब हम लिखेंगे नाउ x डैश निकालते, तो क्या होगा A+A' का होल डैश। अभी हम इसकी प्रॉपर्टी बता चुके हैं कि डैश इस पे लगेगा और इस पे लगेगा, तो दिस इज A+A' का डैश। ये भी प्रॉपर्टी बताई जा चुकी है कि A' का डैश क्या होता है, ट्रांसपोज का फिर ट्रांसपोज A, तो दिस इज बिकम A+A, यही तो एक्स है। तो क्या प्रूफ किया, दिस शोज दैट एक्स इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब A-A' लेते हैं, अगेन लेट y इज इक्वल टू A-A'। अब मैं इसका डैश निकालता हूं, नाउ y डैश करिए A-A' का डैश, तो क्या होगा A-A' का डैश, तो A-A यहां से माइनस कॉमन ले लो,
a माइनस ए डैश दिस इज वॉट दिस इज वाई तो दिस इज y डैश इज इक्वल टू माइनस वाई सो y इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. तो दिस इज द प्रूफ ऑफ फर्स्ट थ्योरम. ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जो आगे हम बताने जाते हैं मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट थ्योरम. नाइदर थ्योरम इज इंपॉर्टेंट बट देयर एप्लीकेशन इज इंपॉर्टेंट. इसको अप्लाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है. देखिए थ्योरम का स्टेटमेंट बुक में पढ़ा है, मैं पढ़ देता हूं. लिखा प्रूव दैट अ मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. कोई एक मैट्रिक्स है उसको दो मैट्रिक्स के सम के रूप में ले सकते हैं, एक सिमेट्रिक और एक स्क्यू सिमेट्रिक. कैसे प्रूव करेंगे? स्टेटमेंट लिख लेंगे. हमने मान लिया लेट ए बी अ मैट्रिक्स. ए जो है एक मैट्रिक्स है. अब बताना यह है इस मैट्रिक्स को दो भागों में ब्रेक कर सकते हैं, दो मैट्रिक्स के सम के रूप में ले सकते हैं, एक सिमेट्रिक है और एक स्क्यू सिमेट्रिक. तो हमने अपनी तरफ से ए को माना हाफ ए प्लस ए डैश प्लस हाफ ए माइनस ए डैश. एक्चुअली में क्या लिखा हुआ है, हाफ ए प्लस हाफ ए डैश प्लस हाफ ए माइनस हाफ ए डैश. हाफ ए डैश माइनस हाफ ए डैश तो साफ हो गया, और हाफ ए प्लस हाफ ए इज इक्वल टू फुल ए, यही तो लिखा हुआ है. इसको मान लिया गया एक्स और इसको मान लिया गया वाई. तो इसको मान लिया गया एक्स, इसको मान लिया गया वाई. ये मैट्रिक्स को मैंने इस फॉर्म में लिख दिया. अब हमें दिखाना है एक्स और वाई में से एक सिमेट्रिक है और एक स्क्यू सिमेट्रिक है. हियर एक्स इज इक्वल टू क्या है, हाफ ए प्लस ए डैश. नाउ अब क्या करेंगे, हम इस एक्स का डैश निकालते हैं, यानी कि हाफ से कोई मतलब नहीं है. तो ए प्लस ए डैश का डैश निकालते हैं. ये आपको बताया गया है कि जो कॉम्प्लीमेंट का साइन है वो यहां भी आ जाएगा और यहां भी आ जाएगा. ट्रांसपोर्ट का साइन, सॉरी कॉम्प्लीमेंट नहीं होगा, कॉम्प्लीमेंट मॉडर्न जेब्रा में है. तो ये क्या हो जाएगा, ए डैश प्लस ए डैश का डैश, और ए डैश का डैश क्या होता है, ए. तो हाफ ए डैश प्लस ए, ये क्या है, आप कहेंगे एक्स है, इट इज इक्वल टू एक्स. क्या प्रूफ किया आपने, एक्स डैश इज इक्वल टू एक्स. सो एक्स इज व्हाट, सो एक्स इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स. क्या प्रूफ कर दिया आपने कि एक्स जो है वो कैसी मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक है. अब वाई को उठाइए, आप वाई इज इक्वल टू हाफ ए माइनस ए डैश. नाउ y डैश करिए तो हाफ a माइनस ए डैश का डैश. डैश कैसे लगेगा, इस पे लगेगा माइनस a डैश का डैश, यही तो आएगा. ये क्या हो जाएगा, ये a हो जाएगा, तो आएगा हाफ a डैश माइनस a. क्या ये y लिखा है, नहीं लिखा है, माइनस कॉमन लेना पड़ेगा. तो यहां से मैंने क्या किया, माइनस कॉमन ले लिया, हाफ आ गया a माइनस a डैश, ये क्या आ गया माइनस का वाई. क्या शो हो गया, सो वाई इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स यानी हाफ ए प्लस ए डैश सिमेट्रिक है और हाफ ए माइनस ए डैश स्क्यू सिमेट्रिक है. मान लिया कोई मैट्रिक्स आपको दे दी जाए और आपसे कहा जाए कि इसको दो मैट्रिक्स में ब्रेक करिए, एक सिमेट्रिक को एक स्क्यू सिमेट्रिक को. करेंगे क्या आप, पहले ए डैश निकालेंगे, ये निकालेंगे सिमेट्रिक और ये निकालेंगे स्क्यू सिमेट्रिक. एक एग्जांपल ले लीजिएगा, इसका एक एग्जांपल लगा दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, समझ लीजिएगा, बोर्ड की दृष्टिकोण से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है. हमने एक मैट्रिक्स लिखी ए 1 2 3 4 5 6 7 8, अपने आप को एलिमेंट ले लिया और कह रहे इसको सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के फॉर्म में लिखिए. तो पहले तो आप ए डैश निकाल लीजिए, तो ये 1 2 3 इधर आ जाएगा, 4 5 6 इधर आ जाएगा, 7 8 9 इधर आ जाएगा. अब आप एक एक्स निकालेंगे, ए प्लस ए डैश को हाफ करेंगे, ठीक,
हाफ, ए मीन्स ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 प्लस 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये दोनों को प्लस करने के बाद में इसको हाफ को अंदर इंप्लीमेंट करना है, ठीक है। इज इक्वल टू हाफ 1 + 1 = 2, 2 + 4 = 6, 3 + 7 = 10, 4 + 2 = 6, 5 + 5 = 10, 6 + 8 = 14, 7 + 3 = 10, 8 + 6 = 14, 9 + 9 = 18। 2 से डिवाइड कर दो, अंदर ले जाओ उसको, तो आएगा 1, 3, 1, 3, 5, 3, 5, 7, 5, 7, 9। जरा देखिए, अगर इसको आप ट्रांसपोज करें तो 1, 2, 3 इधर आएगा, 1, 3, 5 आ रहा है, 3, 5, 7 और 5, 7, 9 सेम है, तो दिस इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब क्या करेंगे, हाफ ये हो गया, फिर आप आगे बढ़ेंगे, यहां वाई लिखेंगे और यहां लगा देंगे आप माइनस, यहां लगा देंगे आप माइनस, तो क्या हो जाएगा, इसको सबट्रैक्ट करना पड़ेगा, सबट्रैक्ट कर दीजिए, तो दिस विल बिकम हाफ 1 - 1 = 0, 2 - 4 - 2, 3 - 7 - 4, 4 - 2 = 2, 5 - 5 = 0, 6 - 8 - 2, 7 - 3 - 4, 8 - 6 = 2 और 9 - 9 = 0। 2 से डिवाइड कर दो, तो दिस विल बिकम 0 - 1 - 2, 1 - 0 - 1 = 2, 1 - 0। अगर आप रो को कॉलम में चेंज करिए तो ये आपका सिमेट्रिक, इसके सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो इस प्रकार से ये आता है। तो ये मैट्रिक्स में ट्रांसपोज क्या होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, स्क्यूसिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, इसको साइज बात डिस्कस करेंगे। एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर सीबीएसई के स्टूडेंट इसके साथ साथ जो एग्जाम्पलर है वो अगर सॉल्व कर लेते हैं, ये मान लीजिए बहुत अच्छे नंबर आते हैं उसमें, ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिस के तौर पर एनसीईआरटी बहुत सारे क्वेश्चन नहीं है, लेकिन एग्जाम्पलर में बहुत अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है। ओके, थैंक यू।